हेलो फ्रेंड्स, मैं निगत परवीन खान कंपटीशन कम्युनिटी के यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पर राज व्यवस्था के FTR के आज के सेशन में आप सभी का स्वागत करती हूं। और आज के सेशन में हम इन टॉपिक्स के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स को डील करेंगे और उसके पीछे की जो अवधारणाएं हैं उनको देखेंगे। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और राज्य विधानमंडल, टॉपिक्स बहुत सारे हैं, लेकिन जो इन सब में से सबसे इम्पोर्टेंट है वो तीन टॉपिक्स हैं। एक है राष्ट्रपति, दूसरा है राज्यपाल और तीसरा है राज्य विधानमंडल। ज़्यादातर वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस जो बनते हैं वो इन टॉपिक्स पर से ज़्यादा बनते हैं, ठीक है। तो आज के सेशन में भी इन पे से ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे, एक आध दो क्वेश्चंस बाकी के बचे टॉपिक्स उपराष्ट्रपति, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री पर से भी होंगे, ठीक। प्रश्नों की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है जैसे कि हर सेशन में होता है, लेकिन प्रश्न थोड़े डेप्थ वाले कॉन्सेप्ट से हैं या प्रश्न थोड़े डिटेल हैं, ठीक है। तो आप सिर्फ प्रश्नों पर ना ध्यान दें, उसका जो एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है मैं हर बार अपने सेशन में दोहराती हूँ कि एक्सप्लेनेशन पर भी आप ध्यान दें, क्योंकि उससे और कई सारे प्रश्न हल करने में आपको आसानी होगी। बेहतर होगा कि आप जब ये सेशन अटेंड करते हैं तो यहाँ पे जो क्वेश्चन डील किए गए उसके अलावा इसी टॉपिक पर से आपके पास जो भी ऑब्जेक्टिव बुक्स हैं या आपके पास जो भी ऐसा कोई क्वेश्चन बुकलेट है या टेस्ट सीरीज है जो इन टॉपिक्स पे बेस्ड है उनको भी सॉल्व करने की कोशिश करिए और फिर देखिए कि वो क्वेश्चंस बनते हैं कि नहीं। तो इन 12 प्रश्नों की आड़ में आपसे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव सॉल्व हो जाएंगे, ठीक। तो चलिए मूव ऑन करते हैं पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न पढ़ें, क्या लिखा है, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित कथन, मतलब राष्ट्रपति के निर्वाचन से ये कुछ कथन दिए गए हैं। तो देखिए, निर्वाचन से संबंधित दो अनुच्छेद हैं राष्ट्रपति के, एक है 54 और एक है 55। 54 में बताया गया है कि राष्ट्रपति एक निर्वाचित पद होगा और उसका जो निर्वाचन मंडल है, मतलब वो लोगों का ग्रुप जो राष्ट्रपति की निर्वाचन की प्रक्रिया में हिस्सा लेता है, उसका भी उल्लेख अनुच्छेद 54 में दिया है। अनुच्छेद 55 में उसके निर्वाचन की पूरी प्रक्रिया बताई गई है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है इन दोनों में से ही संबंधित ये कथन होंगे, तो एक एक करके हम इसको एनालाइज करेंगे। लेकिन उससे पहले अनुच्छेद 54 में जो राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल दिया हुआ है उसके तहत कौन आते हैं उन्हें देख लेते हैं, फिर आप अपने आप ये अनुमान लगा लेंगे कि कौन से कथन सही कौन से गलत। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होता है, पहला सभी निर्वाचित सांसद, ठीक। इसका मतलब ये कि लोकसभा और राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य। इसका क्या मतलब हुआ कि मनोनीत सदस्य हिस्सा नहीं लेते केंद्रीय स्तर पर। दूसरा, सभी निर्वाचित विधायक। निर्वाचित विधायक मतलब राज्य स्तर की अगर हम बात करें तो देखिए, राष्ट्रपति का निर्वाचन एक संघीय प्रक्रिया है जिसमें ना केवल केंद्र बल्कि राज्य के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो भी इसमें हिस्सा लेते हैं, ठीक है। मतलब राज्य स्तर पर जो MLA होते हैं, जो विधायक होते हैं, वो भी इसमें हिस्सा लेते हैं, पर कौन से निर्वाचित विधायक। वो भी एक चीज आप खास तौर पर ध्यान रखें कि राज्य स्तर पर केवल विधानसभा के निर्वाचित विधायक इसमें भाग लेते हैं। राज्य स्तर पर विधानसभा विधान परिषद दोनों होती है, तो विधान परिषद के लोग हिस्सा नहीं लेते, विधानसभा के लोग। जबकि केंद्र स्तर पर लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचित सदस्य हिस्सा लेते हैं। तो याद रखना, केंद्र स्तर पर लोकसभा राज्यसभा दोनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य स्तर पर सिर्फ जो निम्न सदन होता है विधानसभा उसके निर्वाचित सदस्य, और तीसरा, जितने भारत में केंद्र शासित प्रदेश हैं उसमें दिल्ली और पुडुचेरी, ठीक, दिल्ली और पुडुचेरी के निर्वाचित सांसद, सॉरी निर्वाचित विधायक, ठीक। मतलब दिल्ली और पुडुचेरी के निर्वाचित विधायक इसमें इसलिए हिस्सा लेंगे क्योंकि
यही दोनों पे सिर्फ विधानसभा है। हालांकि ये प्रश्न आपके मन में बहुत दिनों से उठ रहा होगा कि जम्मू कश्मीर के यूनियन टेरिटरी के शासित प्रदेश बन जाने के बाद वहां पर भी तो विधानसभा है, तो क्या वहां के लोग इसमें हिस्सा लेंगे? तो ध्यान रखिएगा कि कायदे से तो जो संवैधानिक प्रावधान है उसके हिसाब से उनको हिस्सा लेना चाहिए, लेकिन जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के लिए जो भी संवैधानिक चेंजेस किए गए संविधान में, उसमें अभी जम्मू कश्मीर के जो विधायक हैं उनको राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल नहीं किया गया है। इन्हें अनुच्छेद 54 में अभी कोई भी तब्दीली, कोई भी बदलाव नहीं किया गया है, जिसकी मांग उठ रही है कि जल्द से जल्द बदलाव किया जाए ताकि अगले राष्ट्रपति के चुनाव में वो लोग हिस्सा ले सके। तो याद रखिएगा, अभी तक राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश होने के दर्जे को और वहां के विधायकों को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में एक केंद्र शासित प्रदेश के निर्वाचित सदस्य के रूप में भाग लेने के लिए अभी तक के कोई संवैधानिक प्रावधान बना नहीं है। ये प्रक्रियाहीन है, मतलब अभी प्रक्रिया चल रही है, लेकिन अब तक जो कुछ भी अभी आप कह सकते हैं लेटेस्ट अपडेट है, उसमें अभी तक इसमें चेंजेस नहीं हुए। तो फिलहाल भी आप देख सकते हैं तो दिल्ली और पुडुचेरी के ही लोग लेंगे, जम्मू कश्मीर वाले अभी नहीं ले सकते। वैसे जल्द ही वो शामिल कर लिया जाएगा एक विधायक प्रक्रिया के तहत, जिसकी मांग उठ रही है। ध्यान में रखिए इस बात को, ठीक है, कि भले ही जम्मू कश्मीर में विधानसभा है तो अब जम्मू कश्मीर के विधायक राज्यों के विधायक की हैसियत से नहीं, एक केंद्र शासित प्रदेश के विधायक की हैसियत से इसमें हिस्सा लेंगे, पर ये तब्दीली अभी नहीं की गई है, जल्द ही कर दी जाएगी। तो फिलहाल शामिल नहीं है, पर जी हाँ, जल्द ही शामिल हो सकता है। ये कई लोगों के दिल में डाउट था, तो आई होप ये बात क्लियर हो गई है। तो फिलहाल जो है उस स्थिति के हिसाब से मैं बता रही हूँ, ये निर्वाचन मंडल में शामिल लोग हैं। अब इसके हिसाब से हम कथनों को देखते हैं और यहीं पर विश्लेषण देख लेते हैं इसका। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित तथा मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में भाग ले सकते हैं, ले सकते होगा, थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ पे, बताइए सही है कि गलत। संसद के दोनों सदन, यहां तक तो सही लग रहा है क्योंकि लोकसभा राज्यसभा दोनों के निर्वाचित तथा मनोनीत, यहां गलत कर दिया क्योंकि केंद्रीय स्तर पर सिर्फ क्या कहा मैंने, निर्वाचित सदस्य हिस्सा लेते हैं, मनोनीत सदस्य नहीं लेते, इस वजह से यह स्टेटमेंट हो जाता है गलत। ठीक, सेकंड देखिए, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं ले सकता है, राज्यसभा का मनोनीत सदस्य, ठीक, राज्यसभा का मनोनीत सदस्य हिस्सा नहीं ले सकता, बिल्कुल सही, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के ही मनोनीत सदस्य हिस्सा नहीं लेते, इस वजह से स्टेटमेंट सही है, फाइन। तीसरा है, लोकसभा का मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में भाग ले सकता है, क्या ले सकता है, बिल्कुल नहीं। मैंने अभी अभी कहा ना, मतलब ये निर्वाचन मंडल में जो पहला स्टेटमेंट है ना, उसी से संबंधित शुरू के दो तीन कथन दे दिए, ना तो राज्यसभा ना ही लोकसभा, दोनों ही सदनों के मनोनीत सदस्य हिस्सा नहीं ले सकते, तो इस हिसाब से तीसरा जो स्टेटमेंट है ये भी गलत हो जाता है। चौथा, दिल्ली व पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं ले सकते, और अभी हम देख रहे हैं कि यही लोग ले सकते हैं, बाकी केंद्र शासित प्रदेशों के जो सदस्य वो नहीं ले सकते, मतलब ये वाला स्टेटमेंट भी गलत है क्योंकि यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। ठीक, तो इस हिसाब से दिए गए चार कथनों में केवल दो सत्य है और आपको सत्य कथन ही पहचानना है, और इस वजह से आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, केवल दो। ठीक, आई होप आपको समझ में आया, और क्योंकि अगर आप संविधान पढ़ रहे हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पूरी प्रक्रिया। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर टू। तो ये क्वेश्चन नंबर टू, इसको पढ़िए, राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महाभियोग के आरोप लोकसभा से प्रारंभ होंगे, महाभियोग पारित करने के लिए लोकसभा का दो तिहाई तथा राज्यसभा का सामान्य बहुमत होना चाहिए, महाभियोग के दौरान संसद के मनोनीत और निर्वाचित सदस्य भाग नहीं ले सकते, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति महाभियोग में भाग नहीं ले सकते। अब इन कथनों को विश्लेषण करके सही गलत कथन पहचानने के लिए आपको महाभियोग की प्रक्रिया पूरी तरह से पता होनी चाहिए। आप जानते हैं कि राष्ट्रपति पर महाभियोग का मतलब राष्ट्रपति को पदच्युत करने की एक प्रक्रिया, उसके पद से उसे हटाने के लिए एक ही हल संविधान में दिया गया है और वो है महाभियोग। ठीक है, राष्ट्रपति को महाभियोग के जरिए हटाया जा सकता है और महाभियोग का उल्लेख अनुच्छेद 61 में दिया गया है। ठीक, तो अगर आपने महाभियोग की प्रक्रिया पढ़ी होगी तो आप ये आंसर दे पाएंगे। तो देखिए, पहली बात तो महाभियोग में याद रखिए कि ये किसी भी सदन में लाया जा सकता है, तीन चार पॉइंट यही बता रही हूँ मैं ताकि आप विश्लेषण कर पाए। किसी भी सदन में, मतलब कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों में लाया जा सकता है, जरूरी नहीं कि लोकसभा। दूसरी चीज, इसमें सभी सांसद हिस्सा लेते हैं,
सभी सांसद का मतलब निर्वाचित भी और मनोनीत भी। ध्यान रहे कि निर्वाचित सांसद राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं ले रहे थे, पर उसे हटाने की इस महाभियोग की प्रक्रिया में वो लोग हिस्सा लेते हैं। ठीक, महाभियोग का जो विधेयक है उसे स्वीकृति मिलने के लिए कि विधेयक लाया ही जाना चाहिए, कम से कम जिस हाउस में लाया जा रहा है उसके एक चौथाई सदस्यों की सहमति आवश्यक है। ठीक, उसके बाद मैं शॉर्ट में बता रही हूँ, मैं एक एक पे बहुत डिटेल नहीं कर सकती, आप वीडियो लेक्चर जो है मेरे उसमें डिटेल देख सकते हैं, यहाँ पे हम विश्लेषण कर पाए इसलिए स्टेप्स बता दे रहे हैं। ठीक, एक चौथाई सदस्य सहमति देंगे तब विधेयक आएगा, उसके बाद आने के बाद चर्चा होगी, उसके लिए राष्ट्रपति को 14 दिनों का एक नोटिस पीरियड दिया जाएगा जिसमें वो सदन की कार्यवाहियों में भाग ले सकता है और अपनी सफाई भी प्रस्तुत कर सकता है। उसके बाद दोनों सदनों में मतदान होगा और मतदान में 2/3 बहुमत, 2/3 कैसा बहुमत, 2/3 ऐसा बहुमत कि पूरे सदन की, यानी कहूं मैं कुल सीटों के 2/3 बहुमत से यदि दोनों ही सदनों में पारित होता है महाभियोग, तब जाके राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। मतलब कि यदि लोकसभा में अगर उसे लाया जा रहा है तो 545 सदस्य होते हैं, वहां पे कुल सीटें उतनी हैं, उसके 2/3 कम से कम सहमत हो, और राज्यसभा में अगर लाया जा रहा है तो 245 सदस्य होते हैं, उसके 2/3 कम से कम सहमत हो, तब जा करके उसका बिल पारित हो सकता है। ठीक है, और दोनों सदनों में अलग अलग पारित होना चाहिए, इसके लिए कोई संयुक्त सत्र का प्रावधान नहीं है। तो इस प्रकार की बहुमत की जरूरत पड़ती है, जो कि बहुमत के प्रकार में सबसे हाईएस्ट रिक्वायरमेंट है। सबसे ज्यादा अगर कोई बिल को पास करने की जरूरत पड़ती है तो वो राष्ट्रपति के महाभियोग का ही बहुमत है। ठीक है, तो ये प्रक्रिया है। अब देखते हैं इस पर से जो कथन है वो कौन से सही कौन से गलत साबित होते हैं। महाभियोग के आरोप लोकसभा से प्रारंभ होंगे, क्या सही? नहीं, क्योंकि अभी मैंने कहा कि दोनों में से किसी भी सदन में ये लाए जा सकते हैं, तो सिर्फ लोकसभा में आएंगे ऐसा जरूरी नहीं है। दूसरा, महाभियोग पारित करने के लिए लोकसभा का 2/3 तथा राज्यसभा का सामान्य बहुमत चाहिए। यहाँ पे गलती कर दिया, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के जो कुल सीटें हैं उसका 2/3 बहुमत मिलेगा तब वो पारित होगा। दोनों में बराबर ही आवश्यकता है बहुमत की, एक में ज्यादा एक में कम ऐसा नहीं, इस वजह से ये कथन भी गलत है। तीसरा, महाभियोग के दौरान संसद के मनोनीत और निर्वाचित सदस्य भाग नहीं ले सकते, भूल रहा है, जबकि अभी हमने बोला कि सभी सांसद ले सकते हैं, इस वजह से ये कथन भी गलत है। और चौथा है, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति महाभियोग में भाग नहीं ले सकते। ठीक, यहाँ पे क्या बोला है, राज्य स्तर की विधानसभा, तो देखिए स्टेप में क्या कोई स्टेट लेवल का पार्टिसिपेशन है, क्या राज्य विधानसभा इसमें हिस्सा ले रही है? नहीं, ये पूरी तरह से केंद्रीकृत प्रक्रिया है, केवल सांसद इसमें हिस्सा लेते हैं, कोई भी जो विधायक हैं वो हिस्सा नहीं लेते। तो इस हिसाब से ये स्टेटमेंट जो है वो सही हो जाता है। ठीक है, भाग नहीं ले सकते विधायक, बिल्कुल सही। तो आप देख सकते हैं चारों में से पहले तीनों स्टेटमेंट गलत है, आखिरी कथन जो है सही है, और इस हिसाब से आपका आंसर क्या होगा, क्योंकि पूछा है असत्य कथन को पहचानिए, तो ऑप्शन सी 1, 2 और 3 असत्य है, ये इसका सही उत्तर होगा। ठीक, आई होप आपको समझ में आया हो, कहीं कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए मूव ऑन करते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न देखिए, पढ़ें और बताएं क्या सही क्या गलत। जितनी देर में मैं पढ़ती हूँ उतनी देर में शायद मैं जो बोल रही हूँ उससे जल्दी में आप मन में पढ़ चुके होंगे, तो प्रश्नों को स्वयं से हल करने की कोशिश करें। जब तक हम नतीजे में पहुंचे उससे पहले आपके उत्तर आ जाना चाहिए आपके पास। ठीक है, एक सेल्फ एनालिसिस भी है। भारत के राष्ट्रपति युद्ध की घोषणा अपने विवेक अनुसार कर सकते हैं, सही या गलत, ये राष्ट्रपति की शक्ति से संबंधित कुछ कथन दिए हैं और आपको सत्य कथन को पहचानना है। ठीक, तो बताएं पहला कथन सही है गलत? ये गलत कथन है, क्योंकि राष्ट्रपति युद्ध की घोषणा अवश्य करते हैं पर अपने विवेक अनुसार नहीं करते, ये विवेकाधीन शक्ति के अंतर्गत नहीं आता है राष्ट्रपति के। राष्ट्रपति के पास जाहिर सी बात है आप जानते हैं जो 7 प्रकार की शक्तियां हैं उसमें से एक सैन्य शक्ति है, और उसी सैन्य शक्ति के अंतर्गत वो युद्ध की और युद्ध विराम की घोषणा कर सकता है, लेकिन वो दोनों ही घोषणाएं वो अपने विवेक से नहीं कर सकता, वो केंद्र में जो सरकार है, जो केंद्र में मंत्रिमंडल है, उसके कहे अनुसार ही करता है, तो ये विवेकाधीन शक्ति नहीं है, इसलिए पहला जो कथन है वो गलत। दूसरा, राष्ट्रपति युद्ध की समाप्ति की घोषणा संसद की अनुमति के अनुसार ही
कर सकता है, आपको सत्य कथन पहचानना है। ठीक है, बिल्कुल सही है ये। इसकी वजह ये है कि यदि युद्ध चल रहा है और सांसद एक मत होकर ये कहते हैं कि अब युद्ध को समाप्त कर देना चाहिए, तो राष्ट्रपति युद्ध समाप्ति की घोषणा कर देगा, तो ये बिल्कुल सही। ठीक है, संसद यदि कहती है तब राष्ट्रपति करेगा, अपने विवेक से नहीं करेगा। तो सेकंड स्टेटमेंट सही। राष्ट्रपति भारत के सैन्य बलों के सर्वोच्च सेनापति की नियुक्ति स्वविवेक से करता है। आप जानते ही होंगे कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, ठीक है, इन तीनों के जो सर्वोच्च सेनापति होते हैं यानी कि जनरल, एडमिरल और एयर चीफ मार्शल, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। ठीक, लेकिन क्या वो स्वविवेक से करता है? नहीं, ये भी इसकी विवेकाधीन शक्ति नहीं होती है। ठीक, तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो आप राष्ट्रपति की शक्तियों के जो 7 प्रकार हैं उनको जरूर पढ़ लीजिए अपने आप में। मेरे मोबाइल कोर्स में आपको पूरे 7 लेक्चर्स मिलेंगे PDF में, आप कोई भी बुक रेफर करते हो उसमें भी चीज़ें डिटेल में दी गई हैं। वहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। या मैं आपको बता दूं कि क्योंकि राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख होता है, इस वजह से ना केवल राष्ट्रपति वाले चैप्टर से वो टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, बल्कि राष्ट्रपति का इन्वॉल्वमेंट संविधान के हर हिस्से में कहीं ना कहीं है, और उन सभी का उल्लेख राष्ट्रपति वाले चैप्टर में आपको मिल जाता है। ठीक है, चाहे वो वित्तीय विभाग से हो, चाहे वो भारत में प्रमुखों की नियुक्ति से हो, चाहे वो कोई भी आयोग से संबंधित हो, उनके सदस्यों की नियुक्ति से संबंधित हो, बहुत सारे प्रकार की जो शक्तियाँ हैं ना, वो संविधान में पूरी बिखरी हुई शक्तियों का एक निचोड़ है जो राष्ट्रपति वाले चैप्टर में दिया जाता है। तो उसको अच्छे से पढ़िए, क्योंकि अगर आपने उतना ही पढ़ लिया तो बहुत सारे चैप्टर्स कि कुछ कुछ पॉइंट्स उसमें कवर हो जाएंगे जो राष्ट्रपति से संबंधित है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये सैन्य शक्ति से संबंधित प्रश्न था, और विवेकाधीन शक्ति अलग से राज्यपाल और राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्ति की कौन कौन से वो स्वविवेक से निर्णय ले सकते हैं उसको खास तौर पर ध्यान में रखिएगा, अक्सर उसमें से प्रश्न बनते हैं। तो देखिए, इन तीनों में से केवल सेकेंड स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट और थर्ड गलत है, और आपको सत्य वचन पूछ रहा है, तो केवल 2 ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया है। आगे मूव ऑन करते हैं अगले प्रश्न। तो ये कथन कारण वाला प्रश्न है, कथन दिया है, कारण दिया है, और ऑप्शन में आपको पूछा है कि कौन सा कथन सही, कौन सा गलत है, और यदि दोनों सही है तो क्या दूसरा कथन पहले की व्याख्या करता है या नहीं करता। ठीक, तो पहला कथन है, उपराष्ट्रपति के पद के लिए व्यक्ति में राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, और कारण है उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करता है। कथन कारण वाले प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं, पिछले साल की PSC में भी आपने देखा होगा कि संविधान से कथन कारण वाला प्रश्न बना था। ठीक, कथन कारण वाले प्रश्न में आपको पहले एक एक करके दोनों कथनों को जांचना होता है कि अपने आप में वो जो स्टेटमेंट लिखा है वो सही है या गलत। यदि आप सुनिश्चित हो जाए कि दोनों कथन अपने आप में सही है, तो क्योंकि कथन और कारण यानी पहला वाला एक कंक्लूजन होगा और सेकेंड वाला एक रीजन होगा कि सेकेंड वाले की वजह से पहला वाला स्टेटमेंट है कि नहीं, तो फिर अगर आपने इंडिविजुअली देख लिया कि दोनों कथन सही है, तो फिर आप ये जांचिए कि दूसरा वाला जो है कथन वो पहले वाले की व्याख्या करता है कि नहीं, क्या वाकई दूसरे वाले कथन की वजह से पहला वाला कथन है, तो आपको सेकेंड वाला रीजन है कि नहीं ये जांचना है। तो पहला वाला स्टेटमेंट बताया पहले इंडिविजुअल, हमको क्या देखना है कि ये दोनों इंडिविजुअली करेक्ट है कि नहीं। तो उपराष्ट्रपति के पद के लिए व्यक्ति में राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, बिल्कुल सही। यदि आप उपराष्ट्रपति की योग्यता के बारे में पढ़ते हैं, उपराष्ट्रपति से प्रश्न है ये, ठीक है, उपराष्ट्रपति की योग्यता के बारे में पढ़ते हैं तो आप जानते ही होंगे कि उसमें वो सभी योग्यता होनी चाहिए जो संविधान ने राज्यसभा के सांसद बनने के लिए उल्लेखित की है। ठीक है, राज्यसभा का सांसद बनने के लिए जो भी योग्यता उल्लेखित की है वो होनी चाहिए। अब आप कहेंगे भाई राज्यसभा का सांसद बनने के लिए तो 30 वर्ष की आयु न्यूनतम उल्लेखित की गई है, पर उपराष्ट्रपति बनने के लिए तो 35 वर्ष। ठीक है, तो ऐसा है कि मिनिमम जो है वो तो 35 वर्ष के अंदर ही आ जाना, तो वो तो फुलफिल करना ही है, कुछ एक्स्ट्रा भी। राज्यसभा के लिए जितने भी बातें उल्लेखित की गई वो सब उपराष्ट्रपति की योग्यता में आना चाहिए। ठीक है, तो याद रखिए आर्टिकल नंबर 63 से आगे जो 7-8 आर्टिकल उपराष्ट्रपति से संबंधित है उनको भी याद कर लीजिएगा, सीधा सीधा वहां से प्रश्न बनता है। कारण वाले स्टेटमेंट को पहले देखते हैं, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करते हैं, क्या ये कथन सही है? बिल्कुल सही। आप सभी जानते हैं कि उपराष्ट्रपति का वैसे तो उसका पद का कोई कार्य नहीं है जब तक राष्ट्रपति मौजूद है। राष्ट्रपति नहीं होगा तब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालेगा, लेकिन राष्ट्रपति के रहते उपराष्ट्रपति के पद का कोई काम नहीं, इसलिए वो तब तक जब तक राष्ट्रपति मौजूद है तब तक राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करता है। ठीक है, ये दोनों स्टेटमेंट सही है, तो ये तो बिल्कुल सही। तो इसका मतलब ये है कि ये सत्य असत्य वाला जो सी और डी है ये तो एलिमिनेट हो गया, क्योंकि दोनों सही है, दोनों ही सत्य है। ठीक, अब आपको देखना है
कि सेकंड स्टेटमेंट पहले की व्याख्या करता है या व्याख्या नहीं करता। तो बताइए भाई, क्या ये सेकंड स्टेटमेंट व्याख्या करता है? जी हाँ, क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राज्यसभा में जो लोग बैठकर मीटिंग कर रहे हैं उनकी अध्यक्षता कर रहा है, तो स्वयं उसके पास वो क्वालिफिकेशंस होने चाहिए जो राज्यसभा में बैठे सांसदों के पास हैं, तभी तो वो अध्यक्ष के रूप में स्वीकार्य होगा। तो संविधान ने सोच समझ के क्वालिफिकेशन रखी। अगर आप ऐसे लोगों की बैठक में किसी व्यक्ति को अध्यक्ष बना रहे हैं जो लोगों में एक डेफिनेट क्वालिफिकेशन है, तो उतनी क्वालिफिकेशन अध्यक्ष में तो होनी ही चाहिए। तो बिल्कुल संविधान विदों का ये कहना है कि संविधान में ये क्वालिफिकेशन ये इसीलिए रखी गई। ठीक है, तो ये ऑप्शन ए जो है जिसमें लिखा है ए और दोनों कथन सत्य एवं आर ए की व्याख्या करता है, यही इसका करेक्ट आंसर है। ठीक, दोनों कथन सही है और इसके वजह से ही वो राज्यसभा की क्वालिफिकेशन संविधान में उल्लेखित है उपराष्ट्रपति। ठीक, तो ये है चौथा प्रश्न, आई होप आपको समझ में आया हो। अगले प्रश्न में मूव ऑन करते हैं, प्रश्न क्रमांक 5। तो पढ़े प्रश्न को, निम्नलिखित में से किस निकाय का प्रमुख प्रधानमंत्री नहीं होता? प्रधानमंत्री भी आपके टॉपिक में उल्लेखित है, तो प्रधानमंत्री से संबंधित ये प्रश्न है। राष्ट्रीय एकता परिषद, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद, अंतरराज्य परिषद, क्षेत्रीय परिषद। पूछा है प्रधानमंत्री होता है, यानी इनमें से किसका प्रमुख होता है। वैसे तो संविधान ने प्रधानमंत्री को बहुत सारी शक्तियां नहीं दी हैं, लेकिन फिर भी आप जानते हैं कि भारत का वास्तविक प्रमुख, भारत की संसदीय प्रणाली के तहत वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री है, और इस नाते वो बहुत सारे जो निकाय हैं, ये सारे के सारे निकाय आप देख सकते हैं गैर संवैधानिक निकाय हैं, उनका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। क्योंकि ध्यान रखना इस बात को जो मैं बोल रही हूँ, जितने संवैधानिक निकाय हैं केंद्रीय स्तर के, उनका प्रमुख राष्ट्रपति होता है, और राज्य स्तर के जितने संवैधानिक निकाय हैं उनका प्रमुख राज्यपाल होता है, क्योंकि वही संवैधानिक प्रमुख होते हैं केंद्र राज्य में। प्रधानमंत्री को पद नहीं दिया गया, पर क्योंकि वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री है, इसलिए जो बाद में गैर संवैधानिक निकाय बने उनमें से कई सारे निकायों का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। तो आपको एक सिंपल ही एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, अगर पता है तो आप आंसर कर लेंगे, बना नहीं। इनमें से किसका वो प्रमुख है, किसका नहीं? तो देखिए, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल बोलने वाले राष्ट्रीय एकता परिषद का ये अध्यक्ष होता है, जो भारत में एकता के लिए कार्य करती है, एक गैर संवैधानिक निकाय, इसका अध्यक्ष ये होता है। ठीक है, दूसरा राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद होता है, राष्ट्रीय विकास परिषद 1952 में बनी, एनडीसी प्लानिंग कमीशन, इन्हें योजना आयोग के अंतिम योजना होती थी उसको अनुमति देने वाले एक निकाय है, इसका भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, क्योंकि आप जानते हैं पहले योजना आयोग और अब बदल के जो नीति आयोग बना है उसका अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होता है। ठीक, उसके अलावा अंतर्राज्य परिषद, इंटर स्टेट काउंसिल जो होती है, उसका भी जो हेड होता है वो भी प्रधानमंत्री होता है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सही। क्षेत्रीय परिषद, क्या इसका भी होता है? नहीं, गलत है, क्योंकि याद रखिए, ध्यान दीजिए, जो भी आपकी ये जोनल काउंसिल्स होती है यानी कि क्षेत्रीय परिषद होती है, उनका जो प्रमुख होता है वो गृह मंत्री होता है, गृह मंत्री। ठीक है, जोनल काउंसिल जितनी भी है भारत में उनका प्रमुख गृह मंत्री होता है, ना कि प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री ऊपर दिए गए चारों, और पहले योजना आयोग और अब नीति आयोग का प्रमुख होता है। तो ये कम से कम वो चार और नीति आयोग के पांच आप याद रखेंगे कि प्रधानमंत्री का प्रमुख होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से कौन से कोड दिए गए जो है उनमें वो सही बैठते हैं, क्योंकि होता है पूछ रहा है, तो एक दो तीन चार होते हैं। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। ठीक, समझ में आया? तो प्रधानमंत्री की जो शक्तियां हैं, जो उसकी कार्यभार है, उस पर आप एक नजर जरूर डाल लें। हालांकि जिस डेप्थ में राष्ट्रपति को पढ़ना रहता है, उस डेप्थ में प्रधानमंत्री पढ़ने की जरूरत नहीं है, और क्वेश्चन की भी वैरायटी इससे बहुत ज्यादा नहीं आती। ठीक, बढ़ते हैं आगे, प्रश्न क्रमांक 6। तो निम्नलिखित में से सही सुमेलित कीजिए, राज्यों के राज्यपाल, राज्यपाल से संबंधित है, आपको प्रावधान दिया एक तरफ और एक पर अनुच्छेद। तो राष्ट्रपति के साथ साथ राज्यपाल के जो अनुच्छेद है उनको भी आप याद करने की अच्छे से कोशिश करिए। याद करने की ट्रिक में मोबाइल ट्रिक में मोबाइल जो कोर्स है उसमें मैंने बताए हूँ, क्योंकि राज्यपाल आप राष्ट्रपति से कंपेयर करके ही पढ़ते हैं। तो अगर आपने राष्ट्रपति के, मान लीजिए, अनुच्छेदों को याद किया, जैसे कि 52, 53, उसमें अगर 100, 101, 99 इस तरह की कुछ आप एडिशंस करेंगे तो आपको राज्यपाल के उसी के समकक्ष अनुच्छेद मिल जाएंगे। जैसे मान लीजिए अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति, आप जानते हैं कि अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति
भारत में एक राष्ट्रपति हो गए हैं, राष्ट्रपति के पद के बारे में उल्लेख किया है, राष्ट्रपति के पद का उल्लेख। तो इसी में आप 101 ऐड कर दीजिए, तो अनुच्छेद 153 में ये बोला है कि राज्यों में एक राज्यपाल होगा। भारत में एक राष्ट्रपति होगा 52 में दिया है, उसमें 101 ऐड कर दीजिए, 153 में दिया है राज्य में एक राज्यपाल होगा। वैसे अनुच्छेद 53 में दिया हुआ है कि वह भारत का कार्यकारी प्रमुख होगा। राष्ट्रपति के बारे में पढ़ते हैं 53 में कि वह भारत का कार्यकारी प्रमुख होगा, इसी में आप 101 ऐड कर दीजिए, तो ये 154 में लिखा रहता है कि राज्यपाल राज्य का कार्यकारी प्रमुख होगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि सब में 101 ऐड करना है, किसी में आपको मतलब एक बार आप कोड बना लीजिए, शुरू के दो में 101 ऐड करना रहता है, फिर 100 ऐड करना रहता है, फिर 99 ऐड करना रहता है। तो जो आपने राष्ट्रपति के लिए पढ़ा है 52 से लेकर 56-57 तक के, वही अगर आप राज्यपाल के लिए याद करना चाहें तो उस ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, और अगर आपने प्लेनली याद कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है। तो राज्यों के राज्यपाल के अनुच्छेद से संबंधित एक एक करके हम देखते हैं कौन सा सही सुमेलित है, कौन सा सही सुमेलित पूछ रहा है ना। 153 राज्यों की राज्यपाल की नियुक्ति नहीं, ये गलत है, क्योंकि अभी आपने देखा कि 153 में ये दिया गया कि राज्यों में राज्यपाल होंगे, इसलिए ये गलत है। 156 राज्यपाल की पदावधि, ये सही है, ठीक। 156 में राज्यपाल का कार्यकाल दिया गया है कि वो 5 वर्ष का होता है, तो ये सही सुमेलित है। 154 में राज्यपाल की कार्यकारी प्राधिकार की सीमा, कार्यकारी प्राधिकार नहीं, कार्यकारी प्राधिकार की सीमा, यानी उसकी शक्तियों की सीमाएं क्या क्या है, तो क्या ये सही है? नहीं, क्योंकि सीमाएं 162 में दी गई, ना कि 154 में। ठीक है, अभी आपने 154 में देखा क्या दिया गया है, 154 में कि राज्यपाल की कार्यकारी शक्ति क्या होगी, कार्यकारी शक्ति है ना, उसकी कार्यकारी शक्ति क्या होगी वो दिया है, और जो कार्यकारी शक्तियों की सीमाएं हैं वो 162 में थी, ठीक। उसके अलावा अनुच्छेद 155 राज्यपाल को हटाना, ये भी गलत है, क्योंकि अभी आपको मैंने कहा कि जो राज्यपाल की नियुक्ति है ना, यही है 155। अनुच्छेद 155 में दिया राज्यपाल की नियुक्ति, जबकि यहाँ लिखा है 155 में राज्यपाल को हटाना, तो इस वजह से ये गलत है, ठीक। तो आप देख सकते हैं इन सभी में सिर्फ स्टेटमेंट बी जो है वो सही सुमेलित है, इसलिए आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, 156 राज्यपाल की पदावधि, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया। अब मूव ऑन करते हैं अगले प्रश्न में, प्रश्न क्रमांक 7। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 7 क्या है, राष्ट्रपति और राज्यपालों और राज प्रमुखों को संरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है। आप जानते हैं कि जितने राज प्रमुख होते हैं, खासतौर पर राष्ट्रपति और राज्यपाल, मौलिक अधिकार जब आप पढ़ते हैं ना, तो मौलिक अधिकार में जब अनुच्छेद 14 आप पढ़ते हैं, विधि के समक्ष समानता, ठीक, तो उसमें बोला जाता है कि विधि के समक्ष वैसे तो सभी समान हैं, विधि मतलब अगर यहाँ मान लीजिए किसी को सजा देना है कानून को, तो बराबरी से सभी को दिया जाएगा, चाहे वो किसी भी कास्ट क्लास या समाज के किसी भी वर्ग का क्यों ना हो, उसको बराबरी से सजा मिलेगी, यानी संरक्षण मिलेगा, तो संरक्षण भी सबको बराबरी से मिलेगा। तो विधि के समक्ष समानता जब मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 14 में पढ़ते हैं, तो उसी का एक अपवाद आप पढ़ते होंगे, लेकिन भारत के कुछ इंपॉर्टेंट जो पोस्ट हैं, जो प्रमुख संवैधानिक पद हैं, उनको विधि द्वारा कुछ संरक्षण, कुछ इम्यूनिटी दी गई है, क्योंकि यदि उन्हें भी एक आम इंसान के जैसे सजा दी जाए, या उन्हें भी एक आम इंसान के जैसे उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए, तो फिर उस पद की गरिमा जो है वो कम हो जाएगी। पद की व्यक्ति विशेष संरक्षण नहीं है, ये पद विशेष संरक्षण है, याद रखिएगा, ठीक है, पद की गरिमा कम हो जाएगी। या फिर अगर मान लीजिए वो जो आरोप उन पर लगा है वो गलत साबित होता है, तो उस समय तक के लिए उस पद के जरिए वो जो कार्य कर सकते थे वो कार्य नहीं कर पाएंगे, ठीक है, तो पद का जो कार्य है वो भी प्रभावित होगा। इस वजह से जो इंपॉर्टेंट संवैधानिक पद हैं, जैसे कि सांसद हो गए, राष्ट्रपति हो गए और राज्यपाल हो गए, इनको कुछ तरह की कानूनी इम्यूनिटी दी गई है। उसी तरह की कानूनी इम्यूनिटी अनुच्छेद 361 के जरिए राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए विशेष कर दी गई है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर जो है वो है अनुच्छेद 361 के तहत इन्हें कुछ कानूनी इम्यूनिटीज दी गई है, इनके खिलाफ आम तौर पे कार्रवाई नहीं हो सकती है, ठीक। तो इसका प्रश्न का, प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर होगा ए, ठीक। हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा सकते, आप एक बार 361 के अंदर मौलिक अधिकारों के अपवादों में 361 के अंदर देखेंगे कि किस किस तरह की कानूनी इम्यूनिटी इनको दी गई है। दो चार चीजें मैंने बताई कि इनके पद में रहते हुए यदि वो कोई भी निर्णय लेते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, तो उनके निर्णयों और कार्यों के खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती, पद में रहते हुए उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, ठीक है। इस तरह की कुछ कानूनी इम्यूनिटी 361 के तहत दी गई। तो ये एक पूरी तरह से तथ्यात्मक अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न था, यदि आपने मौलिक अधिकार पढ़ा होगा
तो ये भी आसानी से बता देंगे। ठीक है, तो इरादपाल से संबंधित प्रश्न प्रश्न 7। बढ़ते हैं आगे 8वें प्रश्न पर। राज्य के राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ये पूरी तरह से अब जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो राज्यपाल से संबंधित हैं। राज्यपाल को अगर आपने पूरा पढ़ा है, उसके पद, उसकी शक्तियां, तो इसका आंसर आप कर लेंगे। आपको असत्य कथन पहचानना है दिए गए में से। ठीक, एक एक करके पढ़ते हैं और देखते सही कि गलत। राज्यपाल को कार्यकाल की सुरक्षा प्रदान नहीं है, सही है या गलत? ये सही है। वैसे तो राज्यपाल का कार्यकाल दिया गया है 5 साल, लेकिन शायद आपको पता होगा कि राज्यपाल को उसके कार्यकाल के पहले भी कभी भी राष्ट्रपति द्वारा ट्रांसफर भी किया जा सकता है और हटाया भी जा सकता है, मतलब उसे कार्यकाल की सुरक्षा नहीं मिली है। इस वजह से लिखा रहता है कि राज्यपाल का जो पद होता है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। आपने ये लाइन पढ़ी होगी कई बार, ठीक है, प्रसाद पर्यंत होता है। उसका मतलब यही है कि अपने विवेक से तो नहीं, पर राष्ट्रपति सरकार के कहने पर जो राज्यपाल हैं उनको कभी भी पद से हटा सकते हैं, कभी भी उन्हें स्थानांतरित कर सकते हैं। इसलिए आपने देखा होगा जब भी कोई सरकार बदलती है तो विपक्षी दलों के जो राज्यपाल हैं उनका इधर उधर ट्रांसफर हो जाता है, कई बार उन्हें हटा के दूसरे राज्यपाल डाल दिए जाते हैं, वहाँ पे नियुक्त कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये सही स्टेटमेंट है। दूसरा, महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति है, ये गलत है। राज्य स्तर के जितने भी संवैधानिक पद हैं, जैसे कि महाधिवक्ता, राज्य का मुख्यमंत्री, राज्य का मंत्रिमंडल, ठीक है, राज्य का जो लोक सेवा आयोग है उसके सदस्य, उन सब की नियुक्ति राज्यपाल करता है, ये तो सही है। ठीक, लेकिन ये सभी नियुक्तियां वो स्वविवेक से नहीं करता, कहीं ना कहीं राज्य की जो सरकार है उसके प्रभाव में उसके निर्णय के हिसाब से वो निर्णय लेता है, वो स्वयं का निर्णय उसका नहीं होता, तो ये विवेकाधीन शक्ति नहीं है, तो ये असत्य कथन है। तो हमको शायद अपना आंसर मिल गया है, लेकिन तीसरा और चौथा भी कथन हम देख लेते हैं। राज्यपाल मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता, बिल्कुल सही। वैसे तो न्यायिक शक्ति के अंतर्गत क्षमादान की शक्ति राज्यों के राज्यपाल को भी मिली है, लेकिन उन 5 तरह के क्षमादान में जो राष्ट्रपति को मिले हैं, इसके पास भी वो 5 तरह के क्षमादान होते जरूर हैं, पर मृत्यु दंड को क्षमा करने का प्रावधान नहीं है संविधान में। मतलब जो क्षमा वाला पहला, देखो 5 प्रकार के क्षमादान होते हैं जो राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों को मिले हैं, ठीक है, तो उसमें से पहला जो पार्डन है, क्षमा, वो राष्ट्रपति राज्यपाल दोनों को मिला है, पर राष्ट्रपति जो है वो जो मृत्यु दंड है उसको क्षमा कर सकता है, राज्यपाल क्षमा नहीं कर सकता, पर उसको कम्यूट कर सकता है। तो राज्यपाल मौत की सजा को माफ नहीं कर सकता, पर पुनर्विचार के लिए बोल सकता है या वो उसे स्थगित कर सकता है, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, वो माफ नहीं कर सकता। राज्यपाल विधायकों के अयोग्यता का अंतिम निर्णय लेता है, बिल्कुल सही। दल बदल निषेध कानून के अंतर्गत केवल और केवल जो अध्यक्ष होते हैं निम्न सदन के, केंद्र स्तर पर आप स्पीकर ऑफ लोकसभा बोल लीजिए, राज्य स्तर पर आप विधानसभा का स्पीकर बोल लीजिए, आप ये शायद जानते होंगे दल बदल निषेध कानून के अंतर्गत स्पीकर ही अंतिम निर्णय लेते हैं। शेष सभी तरीकों से यदि सांसदों को केंद्र स्तर पर या विधायकों को राज्य स्तर पर हटाना है, मतलब उन्हें अयोग्य करार देना है, तो उसका अंतिम निर्णय राज्य प्रमुख का होता है। मतलब केंद्र स्तर पर सांसदों की जो अयोग्यता है उसका अंतिम निर्णय राष्ट्रपति लेगा, और राज्य स्तर पर विधायकों की जो अयोग्यता है उसका अंतिम निर्णय गवर्नर यानी कि राज्यपाल लेगा, दल बदल कानून को छोड़कर, क्योंकि दल बदल कानून के मामले में स्पीकर जो होता है विधानसभा का वो निर्णय लेता है, बाकी सब तरह की अयोग्यताएं राज्यपाल लेता है। ये सेम केस सेंट्रल लेवल पर राष्ट्रपति और स्पीकर का, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी उस हिसाब से सही है। तो हमको अब अपना सही उत्तर मिल गया है, ऑप्शन बी करेक्ट है, मतलब हमारा आंसर है, क्योंकि वो असत्य करते हैं और असत्य करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन 8, अब हम मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो ये क्वेश्चन मुख्यमंत्री से संबंधित है और पूछा है राज्य के मुख्यमंत्री में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं के संबंध में, ठीक है, मुख्यमंत्री से रिलेटेड कौन सा आपको सत्य कथन है वो पहचानना है, कौन सा सत्य कथन है वो पहचानना है। तो एक एक करके देखते हैं और उत्तर पर पहुंचते हैं। मुख्यमंत्री राज्य मंत्रिमंडल की नियुक्ति करता है, सही या गलत? गलत। ये तो बात सही है कि मुख्यमंत्री जब नियुक्त होता है तो वो अपना मंत्रिमंडल खुद चुनता है, लेकिन उनकी नियुक्ति नहीं करता, क्योंकि नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल।
राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री और सभी जो मंत्री होते हैं मंत्रिमंडल के सभी मंत्री, उन सब की नियुक्ति राज्यपाल करता है। मुख्यमंत्री चुनता है अपने मंत्रिमंडल को, पर नियुक्त नहीं करता। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, चुनता मुख्यमंत्री है पर नियुक्ति राज्यपाल करता है, इसलिए कथन गलत है। यदि मुख्यमंत्री त्याग पत्र देता है तो पूरा राज्य मंत्रिमंडल भंग हो जाता है, ये बिल्कुल सही, क्योंकि मुख्यमंत्री के निर्णय अनुसार ही उसका मंत्रिमंडल गठित किया गया था। इस वजह से यदि मुख्यमंत्री पद से हटता है, वो त्याग पत्र देता है, तो अपने आप उसने जो मंत्रिमंडल बनाया वो भंग हो जाएगा और फिर दूसरा मंत्रिमंडल बनेगा। तो हिसाब से सेकंड स्टेटमेंट सही है, पहला गलत, और आपको सत्य वचन पूछा है या सत्य कथन पूछा है, इस वजह से आपका ऑप्शन बी केवल दो जो है वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक, समझ में ये बात, आई होप आपको समझ में आया, कहीं कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 10 में मूव ऑन करते हैं। राज्य के विधानमंडल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन असत्य है? अब विधानमंडल भी आपके टॉपिक में शामिल था, उससे संबंधित प्रश्न है और सेम तरह का प्रश्न है, दो स्टेटमेंट है, दोनों सही है, दोनों गलत है, एक सही है गलत है, आपको पहचानना है। राजस्थान का विधानमंडल द्विसदनीय है, ऐसा है क्या? नहीं। आप जानते ही होंगे कि राज्य स्तर पर द्विसदनीय विधानमंडल की अवधारणा जरूर है, पर कंपलसरी तौर पर नहीं। भारत के केवल 7 ऐसे राज्य हैं जहां पर द्विसदनीय विधानमंडल है, जिसमें पहला जम्मू कश्मीर जो कि अब यूनियन टेरिटरी बन गया है, ठीक, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा बिहार है, चौथा तेलंगाना है, पांचवा आंध्र प्रदेश है, छठवा कर्नाटका है और 7वां महाराष्ट्र है। ठीक है, तो इन्हीं में बस द्विसदनीय प्रणाली है, बाकी नहीं, तो राजस्थान में भी नहीं है, तो इसलिए कथन गलत है। ठीक है, यहाँ विधानसभा के साथ साथ परिषदें भी हैं, जबकि राजस्थान में केवल विधानसभा है। ठीक, उसके अलावा सेकंड स्टेटमेंट देखिए, राज्य की विधायी प्रक्रिया में संयुक्त सत्र का कोई प्रावधान नहीं है, सही या गलत? सही या गलत? बिल्कुल सही। राज्य में 2 सदन होते हैं, जिन जिन भी राज्यों में 2 सदन होते हैं, जिन जिन भी राज्यों में, मान लीजिए वर्ष करिए यूपी की बात करें हम, वहां विधानसभा भी होता है, विधान परिषद भी होता है। ठीक, तो जाहिर सी बात है, जब कोई विधेयक पारित होना होगा तो दोनों सदनों से गुजर के राज्यपाल के पास जाएगा। विधायी प्रक्रिया भी मैं डिटेल में नहीं बताने वाली, जो रेलेवेंट पार्ट है वही बता रही हूँ कि विधानसभा में आएगा विधेयक, फिर विधान परिषद में जाएगा और उसके बाद राज्यपाल के पास जाएगा, राज्यपाल अपने अंतिम हस्ताक्षर करेगा तभी वो विधेयक पास होगा। ठीक है, बिल्कुल केंद्रीय प्रक्रिया जैसे ही। ठीक, लेकिन राज्य स्तर पर ऐसा है कि अगर एक सदन में यानी विधानसभा में बिल पारित हो गया और विधान परिषद में बिल पारित नहीं हुआ तो कोई संयुक्त सत्र नहीं होता है, जबकि केंद्र स्तर पे होता है ऐसा कि लोकसभा में पारित हो गया, राज्यसभा में नहीं हुआ तो संयुक्त सत्र होता है, पर राज्यसभा में नहीं, क्योंकि राज्यसभा में जिन जिन राज्यों में विधान परिषद हैं, विधान परिषदों के पास बहुत ही नाम मात्र की शक्तियां हैं। पहली बात तो कोई बिल वहां आ ही नहीं सकता, पहले विधानसभा ही में आएगा, जबकि केंद्र स्तर पर लोकसभा राज्यसभा कहीं पर भी बिल आ सकता है, कुछ विशेष बिलों को छोड़कर, पर राज्य स्तर पर ये कंपलसरी है कि जिन जिन राज्यों में विधान परिषद है वहां बिल विधानसभा में ही पहले आएगा, फिर विधान परिषद में जाएगा। विधान परिषद की जो का जो निर्णय है वो उतना मायने नहीं रखता, वो पास कर दे तो ठीक है, नहीं भी करे तो भी राज्यपाल को फॉरवर्ड कर दिया जाएगा और राज्यपाल यदि हस्ताक्षर कर देता तो बिल पारित हो जाएगा। तो विधान परिषद की शक्तियां नाम मात्र की होती है, मतलब इसका ये हुआ कि विधान परिषद यदि बिल को पारित नहीं भी करता है तब भी संयुक्त सत्र करके फिर से बिल के ऊपर वोटिंग नहीं ली जाएगी, वो पारित ही माना जाएगा। जैसे आपने विशेषकर मनी बिल यानी धन विधेयक में सुना होगा, वैसे ही कुछ हर तरह के बिलों में फॉलो होता है राज्य स्तर पर, जिन जिन राज्यों में विधान परिषद, ठीक है, इसका मतलब राज्य स्तर पर संयुक्त सत्र नहीं होता है, ध्यान में रखिए, इसलिए ये स्टेटमेंट सही है। और इसका भी आंसर इस हिसाब से क्या होगा, केवल 2 नहीं, क्योंकि इस बार आपको पूछा है असत्य कथन पहचान, वही कंफ्यूज ना हो, क्योंकि सेम तरह का क्वेश्चन है, ऑप्शन भी वही दिख रहे होंगे, फिर से आपको असत्य कथन पहचानना है और पहला वाला असत्य कथन है, इसलिए आंसर होगा केवल 1A। ठीक, तो ये है प्रश्न क्रमांक 10, कहीं कोई डाउट हो तो पूछेगा, विधान परिषद वाले पार्ट से काफी प्रश्न बनते हैं और आगे के भी प्रश्न से संबंधित है। मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। राज्य विधान परिषद किसी विधेयक को अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकता है? थोड़ा सा यहाँ पे लिखने में प्रॉब्लम हुई है। राज्य विधान परिषद किसी विधेयक को अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकता है? 6 माह, 3 माह, 4 माह, इनमें से कोई नहीं। अभी अभी मैं पूरी विधायी प्रक्रिया की कुछ अंश बता रही थी आपको,
उसी से संबंधित प्रश्न। जब विधानसभा में कोई विधेयक आता है और वहां से पारित होकर विधान परिषद में जाता है, तो विधान परिषद के निर्णय का वैसे तो उतनी वैल्यू नहीं है, लेकिन फिर भी यदि वो पारित करना चाहते हैं तो वो पारित कर दे, फिर राज्यपाल के पास जाएगा। तो वो कितने दिनों तक अपने पास रख सकती है, जैसे केंद्र स्तर पर कितने दिनों तक रख सकती है, दूसरा सदन कितने दिनों तक रख सकता है अपने पास किसी विधेयक को, 6 माह तक रख सकता है, 6 माह के अंदर निर्णय लेना होता है। तो राज्य स्तर पर कितना होता है, 4 माह होता है। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है, होता है कि विधानसभा ने अगर विधेयक पारित कर दिया तो विधान परिषद पहले तो उसे 3 माह तक अपने पास रख सकता है, इस बीच में यदि वो निर्णय ले लेता है हाँ तो हाँ, ना तो ना, कोई मतलब नहीं, हाँ बोलेगा तो भी राज्यपाल के पास जाएगा, ना बोलेगा तो भी राज्यपाल के पास जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर वो इस बीच में तीसरे तरह का निर्णय लेता है कि मैं कुछ इसमें बदलाव करना चाहता हूँ, मतलब होता है ना कि एक होगा कि वो पारित कर देगी विधान परिषद, दूसरा उसका निर्णय होगा कि वो पारित नहीं करेगी, तीसरा होगा कि वो उस विधेयक में कुछ संशोधन करके विधानसभा को पुनर्विचार के लिए भेजेगी, ठीक है। तो पहला और दूसरा करती है वो 3 महीने के अंदर, तो 3 महीने के अंदर रोकी उसने, अपना निर्णय लिया, राज्यपाल के पास फॉरवर्ड कर दी, ठीक है, वो हाँ बोले तो भी ठीक, ना बोले तो भी ठीक। लेकिन अगर उसने तीसरे तरह का निर्णय लिया कि उसने कुछ संशोधन किया विधेयक में और विधानसभा के पास वापस भेजा, ठीक, और विधानसभा के ऊपर है, वो चाहे तो उस संशोधन को माने चाहे तो ना माने, और उसके बाद वो फिर से जो थोड़े बहुत चेंज करने हैं नहीं करने हैं, उसके बाद वो फिर से विधान परिषद के पास उसको भेजती पुनर्विचार के बाद। अब ये मतलब ये वही विधेयक विधानसभा से पुनर्विचार के बाद फिर से विधान परिषद के पास आया है, तो अभी सेकेंड टाइम से हद से हद 1 महीने तक अपने पास रख सकती है। 1 महीने में उसे वो फिर से पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकती, या तो पारित करेगी नहीं तो नहीं करेगी, दोनों में से कोई एक निर्णय लेना होगा, पारित करे तो ठीक, नहीं करे तो ठीक, वरना 1 महीने बाद वो अपने आप राज्यपाल को फॉरवर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो पहले इंस्टेंट में 3 महीने अपने पास रख सकती है, दूसरे इंस्टेंट में 1 महीने, तो इसलिए अधिकतम 4 महीने तक विधान परिषद किसी विधेयक को अपने पास रोक सकती है, उससे ज्यादा नहीं, वही से प्रश्न है, ठीक है। तो बिल्कुल केंद्र में जितना सिंपली है ना कि एक हाउस से दूसरे हाउस में जाता है, दूसरे हाउस के पास 6 महीने टाइम रहता है, ऐसा राज्य स्तर पर, क्योंकि विधान परिषद की शक्तियां जो है वो कम होती है राज्य स्तर पर, ठीक। तो इसका आंसर इसलिए मैंने कहा सी, 4 माह होगा, ठीक है। अब हम मूव ऑन करते हैं आज के सेशन के अंतिम प्रश्न पे, प्रश्न क्रमांक 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, राज्य विधान परिषद सदस्यों की कितनी अधिकतम संख्या हो सकती है। विधान परिषद से मैंने ज्यादा प्रश्न इसलिए लिए हैं क्योंकि यहीं से ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चंस बनते हैं, बाकी जो राज्य विधान मंडल के बाकी क्वेश्चंस हैं वो संसद से, अगर आप संसद पढ़े तो वो प्रश्न भी बन जाएंगे राज्य स्तर पे, जो अलग है वहीं से मैंने क्वेश्चंस लिए। तो देखिए, राज्य विधान परिषद और विधानसभा दोनों की एक रेंज निर्धारित है कि कम से कम इतने और ज्यादा ज्यादा इतने सदस्य राज्य स्तर पर हो सकते हैं, क्योंकि यूनिफॉर्मिटी तो हो नहीं सकती ना, राज्य में जनसंख्या के हिसाब से किसी जगह पर विधानसभा विधान परिषद में कम सदस्य होंगे, किसी जगह पर ज्यादा होंगे। तो देखिए, मैं यहीं पर आपको बता देती हूँ, जो विधानसभा होती है, विधानसभा में याद रखें कि अधिकतम जो है वो 500 मेंबर्स हो सकते हैं, इससे ज्यादा 500 से अधिक सदस्य किसी राज्य में नहीं हो सकते, जितनी भी ज्यादा जनसंख्या क्यों ना हो जाए। और अगर हम विधान परिषद की बात करें, विधान परिषद की, तो इसमें ध्यान में रखेंगे कि मिनिमम, इसमें मिनिमम जो है वो 40 मेंबर्स हो सकते हैं, और मैक्सिमम विधानसभा के 1/3, मतलब उस राज्य में जितनी भी, जिस राज्य में विधान परिषद की बात हो रही है, उस राज्य में जितने भी विधानसभा के सदस्य हैं उसका 1/3 से ज्यादा सदस्य विधान परिषद में नहीं हो सकते, ठीक है, और न्यूनतम 40 तो होने ही चाहिए, ठीक। तो यहीं से क्वेश्चन है कि मैक्सिमम पूछा है सदस्यों की कितनी अधिकतम संख्या हो सकती है, तो क्या होगा आंसर, विधानसभा का 1/3, ठीक है। तो ये होगा ए इसका आंसर, फाइन। सो दैट इज इट, आज के सेशन में इतना ही। अब कल के जो टॉपिक्स हैं आप उसे एक बार देख लीजिए, उस पर से प्रश्न कल हम देखेंगे, और जो इसके बाद का अगला जो लाइव सेशन होगा 2-3 लेक्चर्स के बाद, उसमें पूरे पॉलिटी से जितने इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं, और इवन कुछ ऐसे प्रश्न जो कुछ PSC के अलग अलग एग्जाम्स में आए हुए हैं, उनको भी हम देखेंगे, तो उसके लिए भी आप तैयार रहेगा, ठीक है। आज के सेशन में इतना ही, कहीं कोई डाउट हो, कुछ क्लैरिफिकेशन हो तो आप पूछ सकते हैं। एक्सप्लेनेशन के दौरान कई बार ह्यूमन एरर्स की वजह से कुछ एक आध वर्ड लिखना बोलना इधर उधर हो जाता है, तो वो उस चीज़ को कंसिडर करें, कहीं कुछ क्लैरिफिकेशन हो तो वो मैं आपको क्लैरिफाई कर दूंगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कॉम्पिटिशन कम्युनिटी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।